आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। तो आपने फिर बोला कि कल का हो जाएगा, बात खत्म कर दो। उसके बाद मुझे लगा फोन आया कि हम लोग बैठ गए, बोले आ रहे हैं कि था हम बाहर जाए। हाँ नहीं, हम बाहर चले गए थे सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है और इस रिकॉर्डिंग को मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, लेकिन वहाँ से ये बात नहीं हम बता देंगे। मेरी जो बात हुई थी वो आप सोशल मीडिया पर जरूर डाल। बिल्कुल, विधायक महोदय ने बोले थे कि बेटा तुमने आज ये कार्यक्रम रख लिए, हमारे गुरु जी का आज जन्मदिन है, हमको जानना है विशेष रूप से उन्होंने फोन किए हैं। तो मैंने कहा महोदय जी आप आपके प्रतिनिधि को बोला प्रतिनिधि को बोला कीजिए। तो आपने बोले थे कि हमारे सारे किसान प्रतिनिधि, मैंने कहा था कि आप विधायक प्रतिनिधि मनाते हैं और किसी ये पूछा कीजिए, आपके लिए हम कोई डिबेट बहस नहीं रख रहे हैं, पंचायत किसानों की है, आपके सामने किसान पंचायत में बात करेंगे किसान, और वो जो है एक बना के मांग और आपके प्रतिनिधि को देंगे, प्रतिनिधि के जरिए आप तक से बात की जाती है। ये बात है, किसानों का हमने पहले भी समर्थन किया, आज आपकी क्या मांग है नहीं मालूम मुझे, फिर भी मैं आज आपको समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं किसान हूँ और जानता हूँ किसानों की समस्या और मांग, और कोई भी ऐसा मंच नहीं है जहाँ मैंने किसानों की बात ना रखी। विधानसभा हो, विधानसभा में आपने सुना, चाहे हमारा यहाँ पर मंच कार्यक्रम हो, सी एम साहब आए हो, चाहे असल में जानकारी को गलत बोल रहा है, सर्वे उसके लिए सीएम साहब बोला, सर्वे हुआ उसमें ये रिपोर्ट है कि वो पानी ऊपर है, होने की वजह से हम पानी वहाँ नहीं दे सकते। लाल माटी पहले भी बताया था, जब से जो रुका है, आज भी जो रुका है, जो कि मुझे जो लेआउट डाला है उन्होंने, उसका जो सर्वे किया वो ज़्यादा है, लाल माटी को ये क्षेत्र नहीं है। लाल माटी को आप अपना गाँव को मत मानिए, पूरा वहाँ से हमारा भोमा वाला पूरा क्षेत्र है, हमारा पूरे खवासा वाला क्षेत्र है ना, हमारे कुल मिला के छोटे और दो गाँव होते हैं, मेरी विधानसभा में तो 20-25 ही गाँव होते हैं मेरी विधानसभा में, लेकिन उसका ऊपर होने के कारण, जल स्तर ऊपर होने का नहीं हो रहे पास। आपको भी पता होगा कि माइक्रो इरीगेशन और लिफ्ट इरीगेशन जो हमारे यहाँ सेंसर, लिफ्ट इरीगेशन से पानी को लिफ्ट करके हम ऊपर लाते हैं और उससे हम अपना जो लाल माटी जिसको कह रहे हैं वो क्षेत्र संचित करना था, लेकिन किन कारणों से जब वाद विवाद के नहीं किसानों को बीच 15 महीने में हम लोग नहीं थे, 15 महीने में ही वो कैंसिल होकर गई वहाँ पर, और आज जब हम उसको मांग कर रहे हैं कि अब हमको लिफ्ट, हमारी सरकार आ गई इरीगेशन सबको पानी दो, तो वहाँ से उस विभाग का कहना है सिंचाई विभाग का कि हमारे डैम में अब इतना पानी नहीं है कि हम उसको अब लिफ्ट इरीगेशन ठीक कर सकें, तो अब उसका तरीका अब यही बचा है कि हम वहाँ पर डैम बनाए छोटे छोटे, आप फिर पालो तो वो डैम कम करने करवाए, वो भी हमारा साधना के लिए गया, ऐसे छोटे छोटे डैम बना के चाहे उससे हम लिफ्ट करें चाहे माइक्रो इरीगेशन करें, इन तमाम चीज़ों को लेके है, हम भी चाहते हैं कि हमारा हर किसान को चिंतित किया जाए। हमने बता दी सर, असल में जो हमारी मांग है वो उपलब्ध पानी में, जैसे एक जो दर्द होता है चालू है घट का कि अब जितनी जिला के लिए अपना डैम में पानी नहीं बचा, तो और दूसरा तर्क होता है कि फलाना क्षेत्र ऊंचा है, तो ये दोनों तर्क के लिए हमने जो समाधान निकाले वो ये समाधान है कि जो उपलब्ध पानी है जिसके लिए ओपन कैनालें बनी हैं, ओपन कैनाल में 1 MCM पानी में 130 से 170 हेक्टेयर रकबा की सिंचाई होती है रबी सीजन के लिए, 4 से 5 पानी जल संसाधन विभाग का मापदंड, लेकिन माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन इसका पूरा नाम है, माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन में 1 MCM में 330 से साठ पहले बता चुके हैं आप, सर माइक्रो इरीगेशन कहाँ दिखता है, पानी यहाँ से उठाना पड़ेगा, जहाँ से देखिए अभी हम सिवनी वाले डिमांड करते हैं, तो जहाँ से हमारे सिवनी में एंटर नहर होती वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, नहर बनी तो फेल हो जाएगी, बिल्कुल फेल हो जाएगी, तो फेल होना ही चाहिए क्योंकि फेल इतनी किसानों की फायदेमंद नहीं बनी है, वहाँ के भी किसानों से जुड़े हुए हैं, मतलब जहाँ एक बार मैं खुद मानता हूँ बढ़िया है
जिसके लिए मैंने भी फिलहाल जमा उठा, और आप सबको पता हो जो ठेकेदार था मेटाना कंपनी का, उसने घटिए काम की वजह से भी कुछ मिल गया। इसके दो तीन एग्जाम्पल हैं, जैसे अभी भी 7 अगस्त को मुख्यमंत्री जी खाते गांव गए थे, भूमि पूजन किए हैं, वहां पे पहले से नहरें थी पर वहां के किसानों की डिमांड थी नहरों की जगह पे वहां पे माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन तकनीक से पानी दिया जाएगा, ऐसा भूमि पूजन हुआ है। और ऐसे दो तीन एग्जाम्पल भी है। देखो आप जो बात कर रहे हो ये बात भी सही है कि आप उससे कर सकते हो, और उतने ही पानी में क्षेत्र बढ़ जाएगा, लेकिन जो पानी आ रहा है जो नहरें हमारी बनी हुई है, क्या हमारा बखारी जनाजी भी जा रहा हो, क्या हमारा कलार वाली तरफ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो डैम का पानी है वो जो कहते हैं उसका जो नीचे कला होता है वो किसान को नहीं दिया है, वो पहले से छिलवाड़ा और अन उन्होंने वाटर सप्लाई जल दिया हुआ है। दूसरी बात, उससे किसी एक कंपनी कोई कंपनी वहाँ कोई प्लांट है जिसके लिए पानी उसके लिए सुरक्षित किया गया, तो हम ये नहीं मान सकते कि अपन जो बात करें तैयार है। अगर सिंचाई विभाग तैयार हो जाए कि हमारे पास पानी जो बचा है हम देने को तैयार है, तो हम तो चाहते सरकार से हम भी आपके साथ खड़े हैं, मांग करें के लिए निर्धारित है सारे क्षेत्र पहुँचाएंगे। पहली बात सुनो, पहले जो प्रोजेक्ट है अब आज के डेट में ये कम्प्लीट होने को, कम से कम ये तो कम्प्लीट हो। अब हमारी और आपकी मांग नहीं आ गई कि आप इसको कैंसिल करो, आप इसको इस तरीके से पानी आप शिफ्ट करो। अब इसके लिए टेक्निकल इंजीनियर है, अगर उनको लगता है, सरकार को लगता है ये सस्ता है इससे हो, तो हम भी आपके साथ माइक्रो इरीगेशन किसको बोलते हैं, तो सरकार और आप लोग जाने के साथ हमसे अच्छा कि ऊंची जगह में पानी कैसे जाएगा, तो आप हमसे अच्छा जान पहले से जान आपको बता चुके ना, लिफ्ट इरीगेशन से जाएगा। लिफ्ट मतलब क्या, जहाँ पानी की है वहाँ से हमको किसी मोटर से पानी को उठाते ऊपर कोरिया में जहाँ ऊंचा है वहाँ खोलना है, वहाँ से फिर हमको फिर वहाँ से फिर नहर बनाना है। लेकिन उसके लिए बता रहे तो हमने पास कराया था, पंद्रह महीने की सरकार ले गई, लेकिन अब आपको लगेगा पूरा कि हम जो क्यों बोले दूसरी सरकार क्यों गई ना 15 महीने में, और वो कहाँ से सेंक्शन पता कर लो आप, अगर छिंदवाड़ा जिला में सेंक्शन नहीं हुई हमारी, भाई हम भी तो दुख दे रहे हैं ना, हमारे लिए भी तो तकलीफ है। और आपने देखो, आपने चारों विधायक को बुलाया, दोनों सांसद को बुलाया, लेकिन मैं रात में बाहर था, मैं सीढ़ी में था ही नहीं। गुरु जी का कार्यक्रम आपको मालूम 6 बजे तक किया, मैं आया कहाँ तक हमारा गणेशगंज, मेरे को घटना की जानकारी मिली वहाँ से मैं लौट गया, गुरु जी को छोड़ के आपकी हर मांग के साथ सहमत हूँ, जैसे आप मांग कर रहे हैं मैं भी आपके साथ सरकार से मांग करता हूँ कि हमारी माइक्रो इरीगेशन करोगे तो आपकी ज्यादा लागत भी नहीं आएगी, और हर हालत में हमारे हर किसानों तक हम इतने ही पानी को सिंचित कर सकते हैं। तो आज देखिए, आज प्रत्येक मंगलवार को फायदा कैसे पहुंचा सकता हूँ, और वो भी मैंने 4-4.5 साल में डाला था।
जब आखिरी चुनाव आया, आखिरी जब फार्म भरने के बाद सब में पार्टी में, उसके पहले तक मैं निर्णय लिया जो वोट किया जिसमें, उसके बाद करो मेरे को मेडिकल मिली, बच्चों की नहरों का मैंने सेंटर कराया था और माइक मेरी, तो ये तैयारी करो सेंटर।